तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 13 है ये, क्लास 10th का। इसकी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ठीक है, इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद द वॉटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. अब ज़रा समझो इस चीज़ को कि क्या बोला है इस क्वेश्चन में इसने। इसने बोला है कि एक सबसे पहले तो इन्वर्टेड कोन है, ये कोन कुछ इस तरह से रखा हुआ है और इसका जो टॉप है वो ओपन है, ठीक है, इसके टॉप पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इसने बोला है कि ये जो कोन है, ये कोन पूरा ऊपर तक किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। अब हम इसके अंदर कुछ लीड शॉट्स, मतलब हम इसके अंदर कुछ स्फेरिकल बॉल्स डाल रहे हैं कुछ ऐसे, और जैसे ही हम स्फेरिकल बॉल इसके अंदर डाल रहे हैं तो यहाँ से पानी जो है वो बाहर गिर रहा है। अब डायमेंशंस क्या क्या है हमारे पास में, तो हाइट ऑफ द कोन आपको दे रखी है, हाइट ऑफ द कोन आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन दे रखी है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस है, सीधा सीधा रेडियस इस बार डायमीटर की बजाय रेडियस दे दिया है, विच इज़ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है एंड 8 सेंटीमीटर का इसका हाइट है, ठीक है। अब ये जो हमें बॉल्स दे रखी है, लीड शॉट्स जिसको हम लीड शॉट्स बोल रहे हैं, ये बॉल्स जो हमको स्फेरिकल फॉर्म में दे रखी है, ये बॉल्स का भी डायमेंशन हमको दे रखा है इसने। इसने बोला है ये जो बॉल है इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस बॉल का जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो करीब करीब सारे डायमेंशन आ गए हमारे पास में जो रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमें चाहिए। तो बच्चों इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ज़रा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं इसमें। गिवन है हमारे पास में क्या क्या चीज़ें गिवन है, हाइट, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, हाइट ऑफ कोन कितनी है 8 सेंटीमीटर जिसको हमने h नाम दिया है। उसके बाद में है रेडियस। अब देखो रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ स्फेयर दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कोन लिख रहे हैं पहले और इसको हम R1 नाम दे रहे हैं, तो R1 की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ जो दूसरी रेडियस है वो है रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर जिसको हम R2 नाम दे रहे हैं, उसकी वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे इसका, क्या है फॉर्मूला, तो उसने जो चीज़ बोली है उसको ज़रा ध्यान से एक बार फिर से रीड करते हैं हम। इट इज़ फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्फेयर ऑफ रेडियस दिस आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब भी हम इसमें लीड शॉट्स डालते हैं एक तो क्या आता है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, लीड शॉट इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि एक बार में कितना पानी बाहर आ रहा है एक बॉल डालने पर 1/4 आ रहा है, तो टोटल जब पानी बाहर आएगा तो उसके लिए नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमको चाहिए, और हम इसे 1 लीड शॉट से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक लीड शॉट इनटू नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स n, इसे हम नाम दे देते हैं, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। लीड शॉट मतलब स्फेरिकल बॉल्स बोल सकते हैं हम, स्फेरिकल बॉल्स या जो हम छोटी छोटी बॉल्स देखते हैं जिसे हम बियरिंग बॉल्स भी बोलते हैं, वो भी वैसा ही कुछ ये लीड शॉट्स के बारे में बोल रहा है। तो हमको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि लीड शॉट्स क्या चीज़ है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/4 एज इट इज़ इंटू, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट मतलब स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो रेडियस है स्फेयर का वो हमने R2 लिया है और रेडियस जो है कोन का उसको R1 लिया है, तो R1 एंड R2 इन दोनों को क्लियरली मेंशन करेंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं फिर वैल्यू पुट करेंगे। 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू एच इंटू 3/4 इंटू 1/ पाई R2 क्यूब। इस पाई से ये पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन इस 3 से ये 3 ज़रूर कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी सभी की वैल्यू पुट कर दो तो n इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू, पीछे वाला 1/4 भी आगे ले आते हैं, 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे R1 की वैल्यू थी 5, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा R का स्क्वायर। H की वैल्यू है 8 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 दूसरा पॉइंट हटाया तो 2, दूसरा 0 तीसरा पॉइंट हटाया तो 30 आ गए। 2/5 से ये 2/5 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, 4 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, और इसको कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 10, फिर उसके बाद में 4 5 ज़ा और फिर 0 एज इट इज़। अब इसे 4 से कट कर सकते हैं क्या, नहीं, 2 से कट करके देखते हैं या 5 से कट करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 0 एज इट इज़। अब आटे पंजे, अब ये इधर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन में आ जाएगा 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने रिक्वायर्ड है हमें, नंबर ऑफ लीड शॉट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 100। तो हमें 100 बॉल्स चाहिए इसे कम्प्लीटली फिल करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, इसे आप कॉपी कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पोल। यहाँ पे हमको क्लियरली उसने बोला है मास ऑफ द पोल, गिवन दैट 1 cm³ ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 grams ऑफ मास। अब यहाँ पे जो मास हमें फाइंड करना है आयरन का, उसके लिए इसने यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ दे रखी है कि 1 cm³ ऑफ आयरन है, जो वॉल्यूम होता है आयरन का 1 cm³, उसकी मास में या ग्राम्स में वैल्यू कितनी होती है, 8 grams होती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक सिलेंडर है जो नीचे है पोल के, और एक सिलेंडर है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, और इससे हमारा एक पूरा पोल कंप्लीट होता है। ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है बच्चों, तो हमको उसने क्लियरली यहाँ पे बोला हुआ है हाइट ऑफ अपर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी जो रेडियस है वो हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे नीचे वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 220 सेंटीमीटर है, और ये जो डायमीटर दे रखा है ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। नीचे वाले सिलेंडर को हम V1 नाम दे देते हैं, ऊपर वाले सिलेंडर को हम V2 नाम दे देते हैं, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब V1 की सारी वैल्यू R1 और H1 के फॉर्म में रहेगी, V2 की सारी वैल्यू R2 और H2 के फॉर्म में रहेगी। तो अब यहाँ पे अगर हमें वॉल्यूम निकालना है इस पोल का, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल
इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वी वन सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वी टू सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ऐसा करना है हमको। तो उसको हमने वी वन और वी टू नाम दे दिया, इसलिए वी वन का सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वी टू का सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाए आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वी वन सिलेंडर है तो इसलिए पाए आर वन स्क्वायर एच वन प्लस वॉल्यूम ऑफ वी टू सिलेंडर, तो पाए आर टू स्क्वायर एच टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ आयन पोल। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास में क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास में, रेडियस ऑफ वी वन सिलेंडर, रेडियस ऑफ वी वन सिलेंडर दैट इज आर वन, जिसको हमने जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वी वन सिलेंडर दैट इज एच वन कितना दे रखा है, 220 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हमें गिवन है रेडियस ऑफ वी टू सिलेंडर, रेडियस ऑफ वी टू सिलेंडर तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू आर टू की 8 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ वी टू सिलेंडर इज इक्वल्स टू एच टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, हमने गिवन जो जो भी है उसको लिख लिया है। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ आयन पोल, ऐसा पूरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयन पोल इज इक्वल्स टू, पाए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर वन का स्क्वायर, आर वन है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच वन की वैल्यू है 220 प्लस आर टू का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इंटू 60, ठीक है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ रहा है, 3.14। अब बच्चों यहाँ पे हमको पाई की वैल्यू भी स्पेसिफिकली उसने 3.14 लेने के लिए बोली हुई है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे और इसी से कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज आपका 100% कैलकुलेशन गलत हो सकता है। इनटू यहाँ पे आ जाएगा 144 इनटू 220 प्लस 64 इनटू 60। अब मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3.14 इनटू ब्रैकेट में हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ रही है 31680 प्लस 3840। अब इन्हें दोनों को ऐड कर लेते हैं और 3.14 में से पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 0, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 और 8 14 और 1 15 की 5 कैरी ओवर 1, 3 4 5 3 का 3 ऐड इट इज, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 3552 इंटू 314 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ रही है 314 और 3552 को मल्टीप्लाई करवाने पे 111 5328 डिवाइडेड बाय 10। तो वॉल्यूम ऑफ आयन पोल कितना आ गया है, वॉल्यूम ऑफ आयन पोल, अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, नाउ मास ऑफ आयन पोल, मास ऑफ आयन पोल इज इक्वल्स टू 111 532.8 इंटू 8 ग्राम्स। अब इसका 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 11 है ग्राम्स में वैल्यू, 892.262.4 ग्राम्स क्या आ गया है आपका मास ऑफ आयन पोल, ठीक है। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी है ग्राम्स के हिसाब से, तो हम इसे अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस मास को किलोग्राम्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो मास ऑफ आयन पोल इज इक्वल्स टू 892.262.4 डिवाइडेड बाय 1000। अब अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये तीन डिजिट के इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में तीन जीरो है। तो क्या आएगी आपकी फाइनल वैल्यू, आपकी फाइनल वैल्यू आएगी 892.2624 किलोग्राम्स। तो आपका टोटल मास ऑफ आयन पोल कितना आ गया है, टोटल मास ऑफ आयन पोल आ गया है आपका 892.2624 किलोग्राम्स। वैसे अगर आप चाहे तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर वही निकालना है जो बुक में दे रखा है तो आप इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो और किलोग्राम्स में से ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, यहाँ पे उसने, मैं एक रफ डायग्राम पहले बनाता हूँ फिर फेयर डायग्राम बनाएंगे। ऐसा कोई सिलेंडर दिया हुआ है, उस सिलेंडर के अंदर उसने एक ऐसा कुछ शेप का टॉय या हम बोल सकते हैं मॉडल रखा हुआ है जो कि जिसके बॉटम में तो हेमिस्फीयर है और ऊपर टॉप में कोन है, और इस पूरे जो सिलेंडर था उसको उसने भरा हुआ था पानी से। तो क्योंकि हमने इसके अंदर ये वेसल डाला है, ये जो सॉलिड है ये डाल दिया है, ये जिसको हमने बनाया है अलग से, तो इस कारण से क्या हुआ है कि इसका पानी पूरा बाहर आ गया है, बहुत सारा पानी बाहर आ गया है, लेकिन कुछ पानी बच गया है अभी भी जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। तो ये कितना पानी इसके अंदर बचा है वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं डायग्राम को। ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर ये वैल्यूज़ हमें सब्ट्रैक्ट करनी है टोटल वॉल्यूम में से, जो टोटल वॉल्यूम हमारा होगा किसका, सिलेंडर का, उसमें से ये येलो कलर वाला जो पोर्शन है इसे डिलीट करना है। ये जो सॉलिड हमने इसके अंदर डाला है जिसका शेप नीचे तो हेमिस्फीयर और ऊपर कोन है, तो उस कारण से इसका पूरा पानी बाहर आ गया, तो जितना पानी बाहर आया है वो उतनी वैल्यू को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब हम अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या आएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट में आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब सभी का फॉर्मूले का वैल्यू लिख लेते हैं, सभी के वॉल्यू की वैल्यू लिख लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि सिलेंडर है इसलिए हम इसे वी वन नाम दे देते हैं, जो कोन है उस कोन को हम वी टू नाम दे देते हैं, और जो हेमिस्फीयर है उसे हम वी थ्री नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट R1 H1 दे लिख सकते हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम को R1 और H1 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे R2 और H2 आ जाएगा, हालांकि जो रेडियस है वो सभी की सेम ही है, रेडियस सभी की सेम ही है, लेकिन हम इसे फिर भी R2 और H2 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहे तो ना करें कोई दिक्कत नहीं है, पर हाइट अलग अलग है इसलिए H1 H2 रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसको हम R3 क्यूब बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो जो भी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है, R1 है, H1 है, R2 है, H2 है और R3 है, क्या ये हमारे पास में है? तो सबसे पहले हम इनके डायमेंशन सब मेंशन कर देते हैं हमारे डायग्राम में। सबसे पहले उसने बोला है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमें कोन के डायमेंशंस दे रखे हैं, और कितने दे रखे हैं कोन के डायमेंशंस, कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। उसके बाद में उसने बोला है हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, अब ये रेडियस 6 नहीं है यहाँ पे बच्चों, ये 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट, क्योंकि इसके अंदर ये जो हेमिस्फीयर रहेगा ये भी
60 सेंटीमीटर के फॉर्म में ही, ये 60 सेंटीमीटर ही इसकी वैल्यू भी रहेगी, ठीक है, रेडियस की। नाउ इस पूरे डायग्राम का जो हाइट है, मतलब इस पूरे सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना आ गया हमारे टोटल हाइट, या आ रहा है 180 सेंटीमीटर। और देखो क्वेश्चन में भी उसने मेंशन की हुई है ये चीज़ कि हाइट जो सिलेंडर की है वो 180 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर, मतलब सभी की रेडियस जो है वो सेम ही है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। अब सभी की वैल्यूज लिख लेते हैं हम। गिवन सबसे पहले है हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दे रखी है H1 की वैल्यू 180 सेंटीमीटर। अब रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें R1 की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें हाइट ऑफ कोन दे रखा है, हाइट ऑफ कोन H2 दे रखा है कितना 120 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कोन दे रखा है R2 60 सेंटीमीटर। और आखिरी चीज़ हमें दे रखी है रेडियस, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर, सॉरी, रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर हमें दे रखा है R3 इज इक्वल्स टू अगेन 60 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू पाए इंटू R1 मतलब 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1/3 पाए एज इट इज, यहाँ पे R2 का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर इंटू हाइट आपको दे रखी है 120 प्लस, अब ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 2/3 पाए 60 का क्यूब। क्लियर हुआ? यहाँ पे नेगेटिव साइन इसीलिए आया है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था और सभी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है और पाई की वैल्यू को मैंने एज इट इज रहने दिया क्योंकि यहाँ पे पाई को हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे सभी के साथ में। अब जो जो भी चीज़ें इसके अंदर कॉमन आ रही है पहले उसको लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा क्योंकि पाई तीनों में है, उसके बाद में 60 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 60 का स्क्वायर भी इन तीनों में ही है, लास्ट वाले में 60 का क्यूब है तो उसमें से स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो पाए इंटू 60 इंटू 60 कॉमन। अब ब्रैकेट में हमारे पास में बच क्या क्या रहा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले तो बच रहा है 180, सबसे पहले ब्रैकेट में बच रहा है हमारे पास में 180, दूसरे ब्रैकेट में 1/2 120 और तीसरे ब्रैकेट में 2/3 60 ये बच रहा है। तो 180 माइनस 1/3 इंटू 120 माइनस 2/3 इंटू 60, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे इधर 40 आ जाएगा, इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 2 60, 20 इंटू 2 इज़ 40, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 ब्रैकेट में 180 माइनस 40 माइनस 40, तो यहाँ पे कितना बचेगा ब्रैकेट में 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू ये ब्रैकेट में से 180 माइनस 80 करेंगे हम तो ये बचेगा 100, ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर दिया हमने तो यहाँ पे बच रहा है 100। अब इन टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ रही है 11314285 सेंटीमीटर क्यूब, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब फाइनली हमारा आंसर तो ये आ गया है, लेकिन अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि कई बार बुक में आंसर जो होता है वो मीटर के फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमें जो मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है उसके लिए इसे 100 के क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे 100 का क्यूब मतलब 100 × 100 × 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 जीरो आ गए हैं, इसका मतलब हमारा जो ये पॉइंट है ये 6 डिजिट में शिफ्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा हमारा 1.1314287 मीटर क्यूब। तो आपका कितना वॉल्यूम बचा है इस वेसल के अंदर? तो आपका जो वॉल्यूम बचा है इस वेसल के अंदर वो बचा है 1.1314287 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, वैसे भी ये शीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो लिंक दी हुई है उससे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। नाउ पाई को हमको 3.14 लेना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक बच्ची है जो कि एक ऐसा वेसल देखती है और उस वेसल के अंदर ये वेसल है और उसने देखा कि इस वेसल के अंदर अराउंड 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को वो होल्ड कर सकती है, ये कहना है उस स्टूडेंट का। नाउ हमें चेक करना है कि क्या वो स्टूडेंट सही बोल रही है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? वॉल्यूम निकाल के इस पूरे वेसल का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस वेसल का? वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ज़रा इसके जो वैल्यूज़ दे रखी है हमें वो हम लिख लेते हैं। पहले जो हाइट है सिलेंड्रिकल नेक की वो 8 सेंटीमीटर है। ये जो रेडियस दी हुई है हमें, वो रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है इसकी 2 सेंटीमीटर की डायमीटर है तो रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो रेडियस ऑफ स्फेयर है वो कितनी गिवन है? तो पहले डायमीटर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा लेंथ 8.5 सेंटीमीटर का है, मतलब इसकी डायमीटर 8.5 है। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 8.5 बाय 2 इसकी रेडियस हो जाएगी स्फेयर की। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लिखूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले में, अगर इनके फॉर्मूले की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। अब हम इस स्फेयर को r1 कंसिडर कर रहे हैं या v1 कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके सारे डायमेंशंस को हम 1 वाले सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करेंगे r1 जैसे, और दूसरा ये है हमारा सिलेंडर, तो सिलेंडर को हम v2 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी सारी वैल्यू 2 सबस्क्रिप्ट के साथ में आएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो यहाँ पे r2 और h2 आ जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास में गिवन है, अब वो गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास में हाइट ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले हम हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं, दैट इज h2। तो क्या है वो? 8 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमें दे रखी है रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब दी हुई डायमीटर है लेकिन हम रेडियस लिख लेते हैं इसकी। रेडियस है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर रेडियस फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू हमें दे रखी है 8.5/2 सेंटीमीटर। अब पॉइंट हटा के नीचे 2 लगा के इसको और सिंप्लीफाइड अगर हम फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे? 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 = 5 बचा 3, 5 × 7 = 35 और 5 × 4 = 4 तो 17/4 ये वैल्यू आ रही है। इसको हम 17/4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर को। इसको हमने r1 नाम दे दिया है। अब
सब चीज़ें आ गई है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के अंदर जो जो भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, पहले तो पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम, तो अंदर क्या बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 4/3 एज इट इज़ इंटू R1 मतलब 17/4 का क्यूब, तो 17/4 प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है हमारे पास में 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इंटू H2 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस 4 से तो ये 4 कैंसिल। अब यहाँ पे 17 इंटू 17 अपॉन 3/4/4 ये वैल्यू है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, तो अब वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू 3.14 ब्रैकेट में 102.35 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 102.35 प्लस 8.00 करेंगे हम, तो 110.35 आ जाएगा, ये 110.35 दोनों तरफ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, इधर नीचे 100। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ रही है 3464990 डिवाइडेड बाय 10000। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 1, 2, 3 डिजिट के बाद में हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 346.499 और वी कैन से 346.5, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, और हमको जो गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब ये कि जो स्टूडेंट या वो चाइल्ड जो बोल रही है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इस डायग्राम का या इस सॉलिड का वेसल का वॉल्यूम है, तो वो गलत है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, चाइल्ड इज इनकरेक्ट, द आंसर ऑफ चाइल्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है वेसल का वो कितना आ रहा है, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमारी अल्टीमेटली 3.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स की। जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम का यूज़ होता है, और कैसे होता है ये हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियोज़ में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।